Students, we are going to start chapter 2, that is Indian economy after 1947 to 1990. So Indian economy from 1950 or from 47 to 1990. Now we will learn economic condition of India, its policies and formulation between 1947 to 1990. Because after 1990, our economic policies changed. All of you are knowing that LPG famous words, liberalization, privatization and globalization. We adopted that policy after 1991 onwards. So there were shift in the policy making of the Indian economy. So therefore, we will learn that part after completion of learning economic condition between 1947 to 1990. Before 1947, we have learned the condition of Indian economy on the eve of independence or during the British rule. So we are going to start. So, while starting Indian economy from 1950 to 1990, chapter number 2, I am going to start the topic from economic system. And this economic system is the topic which is recently included in the syllabus of class 12. So, this is important one. So, what is economic system? Let's see its definition. What does it say? Economic system refers to a system which solves the central problems of an economy. ये एक ऐसा सिस्टम है जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करता है. और आपको, आप सभी को मालूम है, क्लास 11 में हम लोग देखे थे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशंस, ये सब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स का ये मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो है इकोनॉमी का वर्किंग जो है डिसाइड होता है, इकोनॉमी का डायरेक्शन जो है वो डिसाइड होता है. तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे जो है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया जाए प्रोडक्शन पर्पस के लिए, कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि बहुत सारा गुड्स, जैसे मान लो कार प्रोड्यूस करे या फिर डिफेंस प्रोड्यूस करे या फिर बेसिक नीड्स जो है, दवाई जो है जो गरीब आदमी के लिए जो है, पुअर पीपल के लिए जो है उसको प्रोड्यूस करे, तो ये सब डिसीजन जो है आपका इकोनॉमिक डिसीजन होता है. ये सब सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ है. तो इसको जो सॉल्व किया जाता है एक सिस्टम से, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको हम लोग आगे देखने जा रहे हैं. We know central problems of an economy arise because of scarcity of resources. Or, as you know, there are unlimited demands, unlimited uses of resources. But resources are limited. So unlimited ends, unlimited uses and limited resources are the biggest problem of the economy. क्योंकि कोई भी रिसोर्स को हम लोग जिस तरह से खर्च करना चाहेंगे, जिस तरह से उसको एलोकेट करना चाहेंगे, उसी तरह से एलोकेट होगा. हमारे पास जो इनकम होता है उसको हम लोग चाहेंगे तो किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका जो है वांट्स जो है उसका एंड नहीं है, वो अनलिमिटेड है. लेकिन इनकम तो हम लोग के पास लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज तो हम लोग के पास लिमिटेड होता है. तो ये जो डिसीजन होता है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा लिया जाता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं. एंड हाउ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. तो ये कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग जो है प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, और किस तरह से उसको हम लोग सोसाइटी में बांटेंगे, तो ये इसको हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा सॉल्व करते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, second one is socialist economy, and third one is mixed economy. Now we are going to
डिस्कस वन बाय वन। नो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेस आर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड दोज गुड्स आर प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग उस इकोनॉमी को बोलेंगे जिससे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, ये जो इकोनॉमिक डिसीजन होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है और वो वही गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो मार्केट में डिमांड है। उसी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा? जब उस चीज़ का मैक्सिमम डिमांड है मार्केट में। तो मार्केट में जिस चीज़ का, जैसे कार का डिमांड है तो कार जो है बनाएगा, यदि साइकिल का डिमांड है तो साइकिल बनाएगा। उसको ज़रूरत से मतलब नहीं है कि आदमी का क्या ज़रूरत है, उसको कैसे पूर्ति किया, ये नहीं, उसको डिमांड से मतलब है, मतलब जो मार्केट में खरीदने के लिए जो पैसा है, जो चीज़ उसका बिक्री होगा, वो चीज़ उसको जो है सोसाइटी का जो है, उसको पुअर आदमी का जो है उसको परवाह नहीं होता है, उसको जो है मेन प्रॉफिट चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको समझ में आ गया कि ये परचेजिंग पावर बेस्ड है, मतलब कोई भी चीज़ को खरीदने का यदि पावर है, मनी है और उसका डिमांड है तो वही चीज़ें करेगा ताकि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट बेस्ड है। इसी को याद है कि कैपिटलिस्ट मीन्स मेन मोटिव, मेन टेंडेंसी ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सेकेंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। न यहाँ पे प्राइवेट के हाथ में नहीं होता है, जो प्रोडक्शन का मीन्स है या डिसीजन है वो प्राइवेट के हाथ में नहीं होता, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एंड गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस करे, कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करे। जो इनकम है, जो रिसोर्स है, उसको हम डिफेंस में खर्च करें या फिर फूड्स में खर्च करें या फिर उसको मेडिसिन में खर्च करें, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किस चीज़ को प्रोड्यूस करें सोसाइटी के लिए। और वो उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उसका होता है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर उसका जो है मेन मोटिव होता है, और वो सबको लेके चलता है, गरीब को, अमीर को, सबको लेके चलता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है एज पर द मार्केट डिमांड, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है एज पर द सोशल नीड्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक जगह पर मार्केट डिमांड्स के अनुसार, एक जगह पर सोशल नीड्स के अनुसार। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट टुगेदर सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन प्रोड्यूस वेल और इन मार्केट डिमांड, एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड इन सोसाइटी और विच आर नॉट प्रोड्यूस बाय प्राइवेट सेक्टर। तो इस चीज़ को याद रखना है कि मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करने का प्रयास करता है। जनरली क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर उस चीज़ को प्रोड्यूस करता है जिसको वो अच्छा तरह से प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि वो मार्केट डिमांड के अनुसार जो है गुड्स को प्रोड्यूस करता है जिसमें उसको प्रॉफिट हो, और जो वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो उसके पास में रिसोर्स अवेलेबल है जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ में वो एक्सपर्टाइज है। और गवर्नमेंट जो है एसेंशियल गुड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो प्रोड्यूस करना नहीं चाहता है। तो उस गुड्स को जो है, या फिर जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट गुड्स है, सर्विसेज है, उसको जो है प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन हो गया, ये मेडिकल हॉस्पिटल्स हो गया, ये सब जो है गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्राइवेट का भी है। तो ऐसा कोई इसलिए और दिया है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एसेंशियल जो है केवल गवर्नमेंट ही करेगा, प्राइवेट भी कर सकता है। तो मिक्स इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलेंगे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों जो है मिलके वर्क करता है। और आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का जो है यहाँ पे रोल है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये आप फिगर के द्वारा देख सकते हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर। ना इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर को इसे छोड़ दिया तो उसको जो है उसको रेगुलेट करता है, रूल्स लॉज को रेगुलेट करता है, प्राइवेट सेक्टर को जो है ये रेगुलेट करता है वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा होता है। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, कंज्यूमर्स सॉवरेंटी प्रोटेक्टेड। तो ये सब गवर्नमेंट को ये सब कुछ को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरह से काम कर रहा है, कहीं वो तो कुछ रूल को तो वो तोड़ नहीं रहा है, या फिर उसका जो मेन मोटिव जो है केवल प्रॉफिट है, या फिर सोसाइटी को नुकसान तो कहीं वो नहीं पहुंचा रहा है, ऐसा गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर जिससे सोसाइटी को हार्म हो। तो ये सब कुछ जो है रेगुलेट करता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। थैंक यू।